संगम यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन। हर तरफ भक्तों की भीड़, सुबह की पहली किरणों के साथ घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, पवित्र गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करते लाखों भक्त। कुछ ऐसा ही अद्भुत और भव्य नजारा होता है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होता है। महाकुंभ में लाखों साधु संतों और भक्तों का जमावड़ा होता है। शहर के हर कोने से धार्मिक कीर्तन, मंत्रोच्चार और आस्था की गूंज सुनाई देती है। महाकुंभ हर 12 साल में होता है और साल 2025 में ये प्रयागराज में होगा। ऐसे में महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे देश के साधु संत के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 3 फेज में बसें चलाई जाएंगी। इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 12 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलने वाले पहले चरण में लगभग 150 बसों का संचालन अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न पॉइंट्स से किया जाएगा। इन बसों का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी पॉइंट्स पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालु बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा कर सकें। इसके अलावा पहले चरण में उत्तर प्रदेश से 3000 बस का संचालन किया जाएगा जिससे प्रयागराज पहुँचना आसान होगा। महाकुंभ का दूसरा चरण में सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भक्त महाकुंभ के स्नान में शामिल होंगे। ऐसे में दूसरा चरण खास हो जाता है। ये 24 जनवरी से शुरू होगा जो 7 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरे चरण के लिए मुख्यालय से बसों का शेड्यूल तय किया जा चुका है। अयोध्या से दूसरे चरण में लगभग 210 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके बाद आखिरी होगा तीसरा चरण जो 8 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। अयोध्या से 150 बसों का संचालन किया जाएगा। इस प्लान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस पर अयोध्या क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम के विमल राजन ने बताया कि महाकुंभ के लिए सभी तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ के लिए पहली बार 3 चरण बनाए गए हैं। ये प्लान पूरा होते ही लोकल 18 आपको इसकी जानकारी भी देगा। तब तक ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।